नंदजी को किसी ने सूचना दी? अरे हाँ, कोई तो मेरे पतिदेव को बुला दो। मैं जाती हूँ ना, ये समाचार दे रहे। जी मैं उपनंदजी को बताती हूँ। मैं पूरे गोकुल में बता कर आती हूँ, ढोल बजवा कर। दाई माँ, जात कर्म संस्कार की तैयारी भी करनी है ना, मैं पंडित जी को बुला कर लाती हूँ। मैं भी घर जाके बता के आती हूँ, फिर वो बाकी के संस्कार के लिए मुझे वापस भी तो आना है। अब बस मैं और तू, मैया और लल्ला, और कोई ना हो हमारे बीच। यही तो मैं चाहती थी। हाँ। अधिकार तो जताऊंगी लल्ला, बावली जो हूँ तेरे लिए। सावधान हो जा लल्ला, ऐसी मैया मिली है तुझे। ममता की सुख को पाने के लिए ही तो मैंने जन्म लिया है मैया। जितना अधिक आपका अधिकार, उतना अधिक मेरा सुख। नंद भैया, अरे वहाँ कहाँ जा रही है जानकी? नंद महाराज तो गौशाला में है। गौशाला? अरे धीरज धरो, धीरज, भोजन तैयार कर तो रहूं। यशोदा के लिए चिंतित हो ना, मैं भी हूँ। कल रात को उसका कष्ट देखा ना गया तो मैं सीधा श्री हरि मंदिर चला गया प्रार्थना कर। अचानक कैसे आंख लग गई और सुबह तुम्हारी पुकार से नींद खुली, तो मैं सीधा यहाँ चला आया। भोजन कर ले, हमें यशोदा के पास शीघ्र पहुंचना है। रामू, क्या हो गए हो? भोजन क्यों ना कर रहे हो? नंद भैया मैया को छोड़कर घर पधारी है। भैया मैया बन गई है। लल्ला जी क्या नाम जन्मोर है? सांस ले ले। भैया को छोड़कर नंद भवन पहुँचो आप। यशोदा भाभी मैया बन गई है। प्यारा सा लल्ला जन्मोर है आपके यहाँ। बधाई हो भैया, बहुत बधाई हो। अरे रामू, सबला, अरे तुम लोगों ने सुना? यशोदा मैया बन गई है। मैया बन गई यशोदा। मैं बाबा बन गया हूँ। मैं बाबा बन गया हूँ। अभी तो पूरे गोकुल को ज्ञात नहीं हुआ है, वरना इन गायों की भांति संपूर्ण गांव नंदलाल के दर्शन के लिए नंद जी के पीछे पीछे चल पड़ता। सत्य कहूँ तो आपके बाल रूप के दर्शन के लिए मैं भी अत्यधिक उत्साहित हूँ। तो फिर देर किस बात की है प्रिय? मैया की गोदी में प्रभु खेल रहे, सुख से हुई भाव विभल लक्ष्मी। इस दृश्य मनोहर से, इस दृश्य मनोहर से प्रभु, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप माँ के प्रेम के लिए क्यों तरस रहे थे। संतान के रूप में आपके लिए यशोमती मैया की ममता से परिपूर्ण इस अद्भुत क्षण से अधिक आनंददायक और क्या हो सकता है? आप दोनों में से कौन अधिक प्रसन्न है, ये कहना अत्यंत कठिन है। मैया और लल्ला की इस अनोखी जोड़ी को कहीं मेरी ही न दृष्टि लग जाए। मैया तेरे सामने है, अब तू न जाने कहां देख रहा है। इधर देखना तेरी मैया की ओर। अच्छी काजल का टीका कब लगाऊं मैंने? देखा लल्ला, तेरी मैया तेरे आने से कैसी बावली हो गई है। अवश्य काला टीका मैं नहीं लगाऊंगा कि तुझे किसी की टेढ़ी दृष्टि ना लग जाए। खुल गयो क्योंकि भविष्य ने वर्तमान में पांव पसारे हैं और नंदराज के घर नंदलाल पधारे हैं। ब्रजबगिया में नई कली खिल गई है, और यशोदा जी मैया बन गई है, अरे सुनो तो, यशोदा को लल्ला हुआ है। लल्ला? हाँ, नारायण की बहुत बहुत कृपा। बात खुल गई उसके तो। सच्ची? हाँ। अरे सुन रे बंधु, अरे सुन रे बाला, अरे सुन रे बंधु सुनरी बाला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। सुन रे बंधु सुनरी बाला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। तिमिर मिटा के करे उजाला, यसोमती मैया के नंद लाला, सोमती लाल है जाया, बाबा नंद फूले ना समायो। ब्रज के भीतर बैकुंठ दिखाया, समय ने ऐसा भाग जगाया। बाजे ढोल ताशे खड़ताला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। तिमिर मिटा के करे उजाला, यसोमती मैया के रख है भानु ले जाया। डारस कारत सब देवाना गाया, मैया तेरो लाल अनोखा, संतों को भी मोह में डाला। सुन रे बंधु सुनरी बाला, ब्रज में युगो है चंद विशाला। तिमिर मिटा के आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। गोकुल के भविष्य का आरंभ हो नंदराज। यसोमती मैया के नंद लाला। नंद जी, नवजात शिशु को देखने से पहले सचल स्नान अवश्य कर लेना। हाँ हाँ, इतनी महत्वपूर्ण परंपरा मैं कैसे भूल सकता हूँ। हाँ। चलता हूँ। हाँ हाँ। बिल्कुल वैसा ही देखते जैसा स्वप्न में देखा था। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तब से यही सोच रही थी। कौन हो तुम? मैं हूं श्री विष्णु का अवतार। तो क्या अब तुम विश्वास करोगे कि हमारा लल्ला ना सच्ची में श्री हरि का अवतार? स्वप्न में तो यही कहा था उस बालक ने। और इसकी आंख, नाक, चेहरा, मोहरा सब वैसा ही तो है। ओहो, यदि मैया ने सच में मान लिया कि मैं कोई साधारण बालक नहीं बल्कि अवतार हूँ, तो ये मेरी पूजा करने लगेंगी। इनकी ममता भक्ति में बदल जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो मैं माँ के सहज सामान्य प्रेम का अनुभव कैसे कर पाऊंगा? सच्ची में बावली हो गई हूँ मैं। जे भगवान का अवतार कैसे हो सकता है? जे तो मेरा भोला भाला सा बालक है। वो स्वप्न था पतिदेव, जे हमारी वास्तविकता है। देखो कितना छोटा सा है ये बालक, कितना कोमल। इसे तो मेरी रक्षा की आवश्यकता है, अपने मैया के प्रेम की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा मैया, यही चाहिए मुझे। जो समस्त जग का रक्षक है, सृष्टि का नियंता है, उसे रक्षा की आवश्यकता है। सुनो जी, मेरा एक अनुरोध है। जब तक इसका नामकरण ना हो जाता है, हम इसे नीलमणि कहकर पुकारेंगे। नीलमणि नीले रंग वाला, वैसा ही जैसे हमने स्वप्नों में देखा था। नहीं, नीलमणि। नाम अच्छा लगा इसे, नहीं? नीलमणि। नंदराजी, नंदराज। ये सब महाराज आपके पीछे पीछे यहाँ आ गए। अच्छा, तो इसीलिए गौशाला में व्याकुल हुए जा रहे थे ये सब। इनकी भावनाएं उमड़ रही है नंदराज। इन्हें भी नंदलाल को देखना है। हमें भी तो देखना है नंदलाल को। हाँ, हमें भी देखना है नंदलाल को। नंदलाल, भैया। अरे ना 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 ना, तू तो गले लग। जैसे ही मुझे पता लगो, मैं तो दौड़ो चलो आयो। बधाई हो, बधाई हो। अब तो उपनंजी भी आ गए। अब तो दर्शन करा दिए नंदराज। दर्शन करवा दीजिए नंदलाल के। अरे लल्ला के दर्शन होंगे, अवश्य होंगे, सबको होंगे। पर पहले होगा जात कर्म संस्कार। हाँ, उसके बाद लल्ला से मिलने को समय सबको मिलेगा, सबको। षष्ठी का उत्सव मनाया जाएगा। तब तक किसी को भी अपने घर में चूल्हा जलाने की कोई आवश्यकता ना है। मेरा एक करबद्ध निवेदन, मेरा स्नेह आमंत्रण आप सभी स्वीकार करें और षष्ठी तक आप सभी प्रातः और संध्या का भोजन हमारे यहाँ करें। धन्य हो नंदलाल पर नारायण की कृपा बनी रहे। हाँ, आप सबका भी स्वागत है। हमारे लल्ला को असीमित आशीर्वाद देना ना भूलना। ध्वनियां कहां से आ रही हैं? ध्वनियां? कैसी ध्वनियां महाराज? मूर्ख, उत्सव की ध्वनियां सुनाई नहीं दे रही क्या? अब उत्सव, क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु इस समय संपूर्ण मथुरा में किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। मुझसे झूठ बोलते हैं। जीवित ही अग्नि में जलवा दूंगा, स्मरण रहे। जाओ जाओ अब यहां से, और जाने से पहले सभी खिड़कियां और द्वार बंद कर दो। निकल जाओ, चलो। यशोदा, देखो कौन आया हमारे लल्ला से मिलने। इसके ताऊ जी। मिलिए हमारे बाल गोपाल से। नीलमणि, 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 नीलमणि देख ताऊ जी, तुमने इसे मणि कहा है नंद? ये तो सचमुच अत्यंत दुर्लभ मणि ही है। देखो, प्रसन्नता की किरणें फूट रही है इससे। शीघ्र ही इन किरणों की शीतलता दसों दिशाओं में फैल जाएगी। नंद, बहू, तुम्हारो ये लल्ला गोकुल की आशा को चंद्र है। पूरी प्रजा को कंस के असहनीय ताप से मुक्त कराए गुजे। सही कहा ताऊ जी, अत्याचारियों का विनाश मेरे जन्म का लक्ष्य है। इसे जन्म देकर चंद्रवंश को भाग्योदय की हो तुम दोनों ने। सदा सुखी रहो। अरे ना, ये तो उत्सव मनाने को समय है। अभी तो संस्कार और कर्मकांड भी करने हैं। सबसे पहले होगा जात कर्म संस्कार। ओके लल्ला, चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। ना ना, तू लल्ला और बहू के साथ रुक, मैं सबको संभाल लूंगा। हाँ, बहुत तैयारी करनी है। बरसों से हमें संतान के लिए तरसते हुए देखो है उन्होंने, इसीलिए उनका मन भरा। हमें बताई ना, परंतु श्री नारायण से वे हमेशा मन ही मन प्रार्थना करते थे हमारे लल्ला के लिए। लो कर लो बात, आप दोनों तो मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। आपका ध्यान कैसे आकर्षित करना है पता है मुझे। उनके प्रसन्नता की तो सीमा ही ना थी। उनका बस चलता तो नीलमणि, तू ठीक तो है ना? अब ठीक हुआ मैया, यही तो चाहिए था मुझे। अपने ऊपर आपका ध्यान, आपकी ममता। इसे दूध की आवश्यकता होगी। हाँ, वो भी चाहिए मुझे। तीव्र भूख लगी है। हे नारायण, मेरा लल्ला बहुत भूखा है। अभी तक दूध भी ना पिलाओ मैंने इसे। सबसे पहले होगा जात कर्म संस्कार। यशोदा, जात कर्म संस्कार के बाद ही बालक को पहली बार दूध पिलाया जा सकता। तनिक प्रतीक्षा कर लो, संस्कार हो जाने दो। ना ना, अब अपने लल्ला को और देर भूखा ना रख सकती मैं। और लल्ला ही क्यों, अब मैं स्वयं को भी इसे दूध पिलाने से और ना रोक सकती। जात कर्म संस्कार बहुत ही आवश्यक संस्कार है, किंतु यशोदा को कैसे रोकूं मैं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.